सिंगरौली जिले के सराय तहसील में एमिल माइंस एंड मिनरल रिसोर्सेस लिमिटेड के लोक जन सुनवाई का आयोजन ग्राम पंचायत बंधा आयोजन हुई। इस जन सुनवाई में जिला प्रशासन की ओर से प्रशासक के रूप में अपर कलेक्टर और सैकड़ों हितग्राहियों की उपस्थिति में परियोजनाओं से प्रभावित हितग्राहियों और कंपनी प्रबंधन के मध्य ये जन सुनवाई हुई। विस्थापित हो रहे हितग्राहियों ने सरपंच देवेंद्र पाठक की अगुवाई में इस जन सुनवाई का विरोध किया। जिला प्रशासन की ओर से प्रशासक ने उचित मांगों के संबंध में निराकरण करने का आश्वासन दिया। भू अर्जन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कोई भी परियोजना भू अर्जन करती है परियोजना के लिए, तो इसके पूर्व लोगों के विस्थापन के लिए आर एंड आर पॉलिसी बनाई जाती है। तो उसी के तहत आज बंधापुर ब्लॉक के जो प्रभावित हैं उनके लिए आर एंड आर पॉलिसी प्रस्तावित की जाएगी। सबसे पहले प्रारूप पॉलिसी जो है प्रकाशित किया गया था, तो उस प्रारूप पॉलिसी के संदर्भ में आम लोगों को जो यहाँ के प्रभावित हैं उनसे जो है सुझाव मांगे गए। सुबह से हैं यहाँ ग्रामीणों ने और मैंने पूरे गांव के पांचों गांव के सरपंचों की ओर से संयुक्त रूप से एक मांग पत्र हमने वाचन किया है। उस मांग पत्र में समस्त बिंदुआ हैं बिंदु को उल्लेख किया गया है जो आप लोगों ने सुना है। कंपनी और शासन सिर्फ सुन कर चले गए, उसमें क्या करेंगे उनका कहना है कि पुनर्वास कमेटी की बैठक में निर्णय करेंगे। अभी कोई आश्वासन नहीं दिया गया। हम लोग इसी जनसुनवाई के विरोध में 2 दिन पहले भी कलेक्टर से मिले थे और हम लोगों ने इसका विरोध किया था कि यह जनसुनवाई अधूरी है।